हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। बेसिकली ये ब्लॉग मेरा औरंगाबाद के आगे का ट्रिप है। आई थिंक आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी, उसमें मैंने दौलताबाद फोर्ट का आपका बताया था कि कितना प्यारा व्यू था वहाँ से और कितना उसका हिस्ट्री हमने बताई थी वीडियो में। ये उसके आगे का ट्रिप है। एलोरा केव्स के बारे में आपने काफ़ी सुना होगा, हिस्ट्री में इसका नाम बहुत आया है। बहुत ही प्यारी जगह है, आप ज़रूर जाइएगा और ट्रैकिंग के लिए तो बहुत ही अच्छा विजिट प्लेस है। आप ज़रूर जाइएगा और वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा। अब हम कहाँ आए हैं बेबी? ये आए हैं अलोरा की केव्स, अलोरा की गुफाएं। अलोरा की गुफाएं, नाम तो बहुत सुना है आज। जाके देखते हैं कैसा रहता है आज का एक्सपीरियंस। इसमें एक्चुअली ना बहुत सारे अलग अलग केव्स हैं, नंबर है, नंबर होते हैं केव्स के, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 है ना। तो जो मेन है ना वो है सबसे बड़ी केव्स है ये। एक्चुअली जो मंदिर है इसकी खासियत क्या है? अभी इसकी सबसे जो अच्छी खासियत है वो ये है कि जो पूरा टेम्पल बना हुआ है ना वो एक ही पत्थर से बना हुआ है, मतलब पूरा काट के बनाया हुआ है, इसमें कोई भी पार्ट ऐसे जोड़े नहीं है। समझी? अच्छा, टेम्पल तो मुझे दिखाई नहीं, अब दिख रहा है टेम्पल। नहीं, पूरा एक ही पत्थर से काट, मतलब ये देखो कैसे डेकोरेशन वगैरह की होगी। अभी देखो ये देखो जो गुफाओं के नंबर थे ना, ये नंबर 17 से 34। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारी गुफाएं हैं। तो 17 से 34 क्या होता है ये? मतलब इतनी गुफाएं हैं, सीरियल नंबर है कि ये सीरियल नंबर 17 टू 34 वाली केव्स हो गई, ये हो गई। तो सबसे अच्छी बात ये है कि ये है, ठीक है, इसका नाम है कैलाश टेम्पल। अच्छा, शिव जी के लिए बनाया गया है, बहुत ही फेमस टेम्पल है। अलोरा का सबसे मेन जो स्पॉट है वो यही है। अच्छा, तो ये पूरा एक अजंता की गुफाएं भी सुना था मैंने। अजंता दूसरा है, ये अलोरा की गुफाएं है। तो वहाँ अजंता की गुफाएं बना है, वो किस चीज के लिए बना? फेमस वो भी ऐसी, अरे ये क्या होता है जो मैं तुम बताया, जैन धर्म के साधु संत जो आते थे उनके आराम के लिए बनाए होते थे, मतलब वो आए रेस्ट करे करके वैसे के लिए बनाते थे। सो दिस इज द मोस्ट फेमस कैलाश टेम्पल ऑफ अलोरा। ये भगवानों के चित्र बने ना, रियल हेरिटेज ऑफ इंडिया। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस, देखो इसमें लिखा है ना 16। कहाँ लिखा है? 16 लिखा ना ये। अच्छा अच्छा, ये 16 नंबर है। अच्छा, तो बेस्ट पार्ट है कि ये एक ही पत्थर से काट के बनाया गया, मतलब बहुत ही मेटिकुलस एंड आर्टिस्टिक ये जो पेंटिंग्स है। अब देखिए कि यार एक फिर पत्थर को काट के बनाया कैसे होगा? ये तो और देखो ना, सबसे बेस्ट बात है कि ये पूरा, मुझे लगता है ना यहाँ पे गणेश जी बना रहे होंगे, फिर बना नहीं होगा इनसे। हाँ, तो ये इसमें वो भी था ना कि वो मतलब कुछ अभी आधी अधूरी भी रह चुकी है कुछ। फिर यहाँ पे गुफा जैसा क्या है? ये गुफा है ना। अच्छा चलो, अभी चलते हैं। हमारे देश की ब्यूटी है ना बेबी, पत्थर काट काट के कैसे बनाया होगा यार, सोचना। और एक ही पत्थर है यार, ये देखना, एक पूरा पहाड़ काट दिया उन्होंने। देखो जी, ऐसे उन्होंने पत्थर काटा ऐसे करके, फिर ये एक्चुअली ये है कैलाश, शिव का मंदिर है। ऊपर ऊपर जाएंगे अभी हम, ये शिव का मंदिर है। अच्छा, ये शिव जी का मंदिर। और यहाँ की क्या मान्यता है? अच्छा है, कैलाशनाथ टेम्पल है। मान्यता तो क्या होती है, चलेगी ऊपर चलेगी? हाँ चलते हैं ना। या पहले नीचे से देखिए, पूरा ऐसा है, तो पूरा इसके अंदर से आ सकते हैं, वो पूरा काट काट के वहाँ पर यहाँ से चले, यहाँ से दिखा देते हैं। तो ये जो क्या था ना, ये जो जैन वैन आते थे, जैसे लोग गए ना ऊपर गए, जैसे जैन वगैरह आते थे ना, जैन धर्म के लोग, तो वो लोग वो जो जैसे घर जैसे दिखे ना तेरे को, उन्हीं में सोचते ऊपर तक जाना बंद कर दिया इन्होंने, पर उन्होंने ऊपर ही कमरे बनाए हैं। क्या था अंदर? अंदर मैं गुफा से आ रही हूँ। अच्छा, और बहुत बड़ी गुफा थी। राम से आना दोस्तों। ये है शिवलिंग जो कि यहाँ का सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र है। जैसे कि आप फोटो में देख रहे हो, यहाँ पे काफी मूर्तियों को खंडित भी कर दिया गया है टाइम टाइम पे। चलो आगे चलते हैं। डालने के हर सब चीज की ये है, हमने अभी मेन जो यहाँ का था केव, जो मेन केव था जिसे हम कैलाशनाथ टेम्पल के नाम से भी जानते हैं, वो हमने देख लिया। अब हम जा रहे हैं बाकी टेम्पल, यहाँ देखिए आप,
ये मतलब बिल्कुल ये एक नदी टाइप की थी। और ये देखिए ब्लॉक को कैसे कैसे काट के बनाया गया है ना। तो ये एक रूट है। एक्चुअली जो जैन मॉन्क्स यहाँ आते थे उन्हें विश्राम करने के लिए जो जगह मुहैया कराई गई, मेनली राष्ट्र सुप्ता डायनेस्टी के जो किंग्स थे उन्होंने इनको बनाया गया। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ उनके जो छोटे छोटे टेम्पल्स होते हैं ना, वो कैसे कैसे मतलब टेम्पल्स क्या मतलब वहाँ वो आराम करते होंगे। तो यहाँ पर बहुत छोटे छोटे से केव्स टाइप की बनाई हुई है। अभी आपको दिखने स्टार्ट होंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो मेरे साथ मेरा पार्टनर है इसको मेरे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। ये ऐसे कह रही है कि यहाँ कुछ है भी, इसको क्या लग रहा है कि जो लोग देखते जाते हैं बस वही होता है, पर असलियत में एरिया है बहुत ही बड़ा है। ये भी उसी का हिस्सा है आगे जो पहाड़ है। तो ये बहुत बड़ा है यार, जो पहुंच करता। ये देखिए, चलो जी कैसा लग रहा है, अपना एक्सपीरियंस तो बताओ। ऐसी गुफाएं देखी आपने जीवन में? नहीं, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। अच्छा, और आई लव इट। ये केव नंबर है 17A। यार ये वाला भी काफी अच्छा बनाया हुआ है इन्होंने, देखा जाए तो है ना, छोटा सा है पर अच्छा अच्छा बनाया हुआ है। यहाँ भी शायद शिवलिंग ही है। हाँ, शिवलिंग ही है। ये भी एक शिवलिंग है। जय शिवलिंग, हर हर महादेव, अपनी कृपा बालकों पे बनाए रखना। सो दोस्तों, इसके आगे भी बहुत सारे केव्स इसी तरह के हैं जहाँ पे हमने विजिट किया है। यहाँ पे मैं एक चीज और स्पेसिफिक आपको मेंशन करना चाहती हूँ कि पास ही में ही मतलब वॉकिंग डिस्टेंस में ही ज्योतिर्लिंग मंदिर है शिवजी का, जो कि बहुत ही प्राचीन और बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। अगर आप यहाँ आते हैं, यहाँ पे विजिट करते हैं, तो वहां पे प्लीज जाइएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे हमारा जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन था वो था बीबी का मकबरा, जैसे कि आप फोटोज में देख पा रहे हो। ये एकदम ताजमहल का ही कॉपी है, जैसे कि ताजमहल को बनाया गया था शाहजहां के द्वारा अपनी बेगम की याद में, उसी तरह औरंगजेब ने अपनी बेगम की याद में इस मकबरे को बनाया है। दोस्तों बीबी का मकबरा अगर आप जाते हैं तो ये औरंगाबाद बस स्टैंड से 4 से 5 किलोमीटर के रूट पे है, डिस्टेंस पे है। आप नॉर्मल ऑटो लेके जा सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट डे का हमारा जो ट्रिप था वो श्रीनी का था। अगर मैं बात करूँ औरंगाबाद से श्रीनी का डिस्टेंस, तो वो अराउंड 120 किलोमीटर का। अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से जाते तो आप 3 से 4 घंटे में पहुंच सकते हैं। और श्रीनी के बारे में तो ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं, सभी को पता है। अंदर कैमरा ले जाना अलाउ नहीं था, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई। अगर आपको मेरी इतनी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय साईं राम।